क्या हुआ था आपके साथ? मैं गांव से घर जा रहा था मेरे आपके करीबन 8 बजे के बाद, और गांव से जो ही निकला पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी आई और मेरे को पूछा कि फंसा रास्ता ये जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ। जो ही पीछे वाले दरवाजे से जो लोग आए, एक ने मेरा पैर पकड़ा, एक ने कमर पकड़ के गाड़ी की सीट नीचे डाल दिया, डालते मेरा मुंह बांध लिया रुमाल से, आंखें बंद कर दी। उसके बाद मेरे को पीटना शुरू कर दिया, पैर पूरे पीटते। उसके बाद करीब 10 किलोमीटर वहाँ जाके और पीटे की, और वहाँ एक कोई डीपी और रूम था। उसके बाद 10 किलोमीटर और वहाँ से जगह छोड़ के वहीं भी सुनसान जगह लगे, वहाँ एक दूसरी गाड़ी और थी और वहाँ कोई वो कैंपर गाड़ी जैसी आवाज़ लग रही थी। उन्होंने भी वो आए पास में, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नाम वगैरह कुछ नहीं बताया। मैंने हरीश को पहचान लिया था जब गाड़ी चढ़ा, पुलिस वाले पहचान, वो हमारे गांव का भी पड़ोसी है। उसके बाद वहाँ से इन्होंने और पीट के मेरे को लाए, करीबन 1 घंटे का रास्ता लाए, वहाँ लाइट के झटके दिए, पैसा पिलाना वहाँ शुरू कर दिया, बीड़ी पिलानी शुरू कर दी, दारू अभी मिक्स करके पैसा मिक्स कर गए। मैंने पानी मांगा, उन्होंने पैसा भी पाया, उस कॉट पे उल्टा बांध दिया, वहाँ से उल्टा बांध। इनके बाद में करीबन 1.5 घंटे का रास्ता और तय करने के बाद कहीं सुनसान जगह लगे, वहाँ खेजड़ी के उल्टा लटकाया, खेजड़ी में खड़ी पौधे पौधे के उल्टा लटकाए, मुँह और हाथ में खेजड़ी के चले टाके आमने सामने बांध दिए, पैर सीधे के पैरों में ऊपर ही मारा और ढूंगों पर मारा और कमर पर मारा पूरा। उसके बाद हथेलियों पर मारना शुरू किया, मुंह मेरा पूरा रेत में डाल दिए हूँ। और उसके बाद इन्होंने पानी मांगा, पैसा भी पिलाएगा। उसके बाद मेरा पूरा नगा करके वीडियो बनाया इन्होंने, और कहते तेरे समाज से वैसे ही पहले बहिष्कार है तुम, और तेरे को समाज से बहिष्कार करके कहीं रिश्ता वगैरह होने नहीं देंगे।